मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, मगर इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की किस तरह से धज्जियां एक वीवीआईपी शादी में उड़ाई गई है। जी हां, देखिए ये शादी की तस्वीरें कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी की है, जहाँ सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि तस्वीरों में जो दिखाई दे रहे हैं उनके मुंह पर मास्क भी नहीं है। और आपको बता दें कि वीवीआईपी शादी में पुलिस भी तैनात की गई है। पूर्व सीएम के बेटे निखिल की शादी कांग्रेस के एक नेता की भतीजी के साथ की गई है, मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस लॉकडाउन में इस तरह की वीवीआईपी शादी की परमिशन कैसे दी गई। बड़ी संख्या में इस शादी में मेहमान जुटे, भीड़ हुई, जहाँ लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ लोग उड़ाते हुए नजर आए। एक तरफ जहाँ देश में कोरोना संकट है, लॉकडाउन है, और इस तरह से ये वीवीआईपी शादी में नियम को ताक पर रख कर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, क्या इसके लिए लॉकडाउन नहीं है? अगर है तो इन पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? इसी लॉकडाउन में अगर कोई आम व्यक्ति इस तरह से शादी करता, भीड़ जमा करता, तो उस पर कानूनी कार्रवाई तुरंत हो जाएगी और होना भी चाहिए। मगर इस वीवीआईपी शादी में जहां खुलेआम लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई गई, हैरान करने वाली बात यह भी है कि बाकायदा पुलिस भी शादी में तैनात की गई थी। वहीं पूर्व सीएम के परिवार की तरफ से कहा गया है कि शादी की परमिशन ली गई थी, सभी नियमों का पालन भी किया गया है शादी में, मगर नियम किस तरह से पालन किया गया है उसकी तस्वीरें देखें कि किस तरह से तस्वीरों में लोग नियम का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कितनी सोशल डिस्टेंस ये लोग बनाए हैं और ना ही इनके चेहरे पर मास्क है। शुक्रवार को ये शादी बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में हुई है। इस शादी को लेकर जब सोशल मीडिया में तेजी से चर्चा हुई और लोग कार्रवाई की मांग करने लगे, पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और ये वीवीआईपी शादी में भीड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि कर्नाटक की उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने कार्रवाई की बात की है। उन्होंने बताया है कि रामनगर डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है और जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।